गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, मैं जीपीसी धौलपुर में यांत्रिक विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर थर्ड ईयर मैकेनिकल का जो सिलेबस है इसमें एक यूनिट है हमारी ME 305 जिसका नाम है पावर जनरेशन। हम पावर जनरेशन का एक टॉपिक है गैस टर्बाइन पावर प्लांट, मीन्स हम गैस टर्बाइन का यूज करते हुए कैसे बिजली का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली जब हम किसी भी पावर प्लांट की बात करते हैं ना, कोई सा कोई, तो हर पावर प्लांट बेसिकली किसी न किसी साइकिल पर वर्क करता है। तो हमारे सामने भी सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट किस साइकिल पर वर्क करता है। तो हमने जब मैकेनिकल साइकिल में एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर आता है, उसमें से एक साइकिल निकल के आता है ब्राइटन साइकिल। उस ब्राइटन साइकिल पर बेसिकली हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट यूज होता है। उस ब्राइटन साइकिल के आधार पर गैस टरबाइन होता है वो दो तरीके का होता है। उसमें से गैस टरबाइन की दो साइकिल कभी आती है हमारे पास, एक होती है क्लोज साइकिल, एक होता है ओपन साइकिल। तो सबसे पहले हमारे जरूरी है कि ब्राइटन साइकिल क्या है। ब्राइटन साइकिल के बेसिकली कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, तो ब्राइटन साइकिल में होता है सबसे पहले कंप्रेसर। यहाँ पर वन नंबर एक और ये है हमारी एनवायरमेंट एयर। एनवायरमेंट एयर जो बाहर की जो वायुमंडल की एयर है वो हम कंप्रेसर यूज करते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसे हम हीट एक्सचेंजर से बुलाते हैं ताकि हीट ऐड किया जा सके, ताकि हीट ऐड की जा सके, जिससे हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर टरबाइन को चलाना। टरबाइन के लिए चलाने के लिए हमारे पास एनर्जी जो एयर है हम जिस एयर का यूज कर रहे हैं सेकेंड में उसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही हाई होनी चाहिए। इस टरबाइन से हमें बर्नर प्राप्त होता है, यह हमें बर्नर प्राप्त होता है, यह है ब्राइटन साइकिल का बेसिक डायग्राम। ठीक है, तो इसको हम भी डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फोन नंबर एक जो एनवायरमेंट एयर है, फोन नंबर एक पर इसको यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। फोन नंबर एक एनवायरमेंट एयर, इसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस की सहायता से होता है। पॉइंट नंबर टू के बाद हमने जैसे कि साइकिल में सीख रहा है हीट ऐड किया है। पॉइंट नंबर टू पर हमने हीट ऐड किया है और कांस्टेंट प्रेशर, जिसके कारण हम पॉइंट नंबर तीन पर पहुंच गए। इस पॉइंट नंबर तीन पर पहुंचने पर हमें क्या मिलता है कि हम यहाँ पर इस स्थिति में हमारे यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्थिति में है, जिसके कारण हमें बर्नर मिलता है। ये बेसिक जो गैस ब्राइटन साइकिल है, इस ब्राइटन साइकिल का बेसिक भी डायग्राम है। ब्राइटन साइकिल का बेसिक भी डायग्राम है। इसी डायग्राम के आधार पर हम गैस टरबाइन को दो भागों में बांटते हैं, जो कि मैं क्लासिफाई करता है क्लोज साइकिल होता है, ओपन साइकिल होता है। इन दोनों साइकिलों में बेसिक अंतर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है कि फोन नंबर फोर के बाद हमें बेसिक डिफरेंस आता है। फोर नंबर टू के बाद अगर मैं जो एग्जॉस्ट हमारे एयर है, एग्जॉस्ट एयर उसको मैं एनवायरनमेंट में छोड़ देता हूँ, एनवायरनमेंट रिलीज कर देता हूँ, तो ये ओपन साइकिल बन जाती है। तो बेसिकली ओपन साइकिल के लिए डायग्राम है। उसके बाद जब मैं क्लोज साइकिल की बात करता हूँ, तो मैं जो एग्जॉस्ट एयर है उसी एग्जॉस्ट एयर को कंप्रेसर के इनलेट के लिए यूज में लेता हूं, तो ये मेरा क्लोज साइकिल बन जाता है।
इस ग्रो साइकिल के लिए पिन डायग्राम कैसे होना चाहिए उसके लिए हम दोबारा इसे कॉन्वर्ट करते हैं। फोटो एक पर, फोटो एक पर जूम। ओपन साइकिल के लिए कोई भी हमने लाइन ड्रॉ नहीं की थी, जब ग्रो साइकिल के हम फोर वाली पॉइंट है वो पॉइंट फोर पर जो हमारी एडजस्ट लेयर है उसको हम कंप्रेसर के लिए इंडेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट फोर और पॉइंट वन के लिए केवल अलग से डिवाइस यूज करते हैं, वो एक तरीके की हीट एक्सचेंजर है। लेकिन यहाँ पर हीट एक्सचेंजर हीट रिजेक्शन का काम करेगा, बेसिकली यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है वो हीट रिजेक्शन का काम करेगा। वन टू थ्री फोर, यहाँ पर हम वन से लेकर टू के लिए वर्क इनपुट करते हैं डब्लू वन, टू से थ्री पर हम हीट इनपुट करते हैं, थ्री से फोर के लिए हमें वर्क मिलता है डब्लू टू, फोर टू वन के लिए हमें रिलीज करते हैं टू टू। जैसा कि हमें पता है थर्मोडायनामिक्स के लॉ से समीकरण ऑफ टू मस्ट बी इक्वल टू समीकरण ऑफ वन, तो ये इस साइकिल के लिए हमेशा इस साइकिल के लिए चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये हुआ हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ब्रेटन साइकिल पर आधारित है, और ब्रेटन साइकिल के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्लोज साइकिल और एक ओपन साइकिल। जैसे कि नाम से पता चलता है क्लोज साइकिल ज्यादा हैवी होगी, ओपन साइकिल है लेस वेट। क्लोज साइकिल में एफिशिएंसी अधिक प्राप्त होती है, एफिशिएंसी अधिक प्राप्त होती है ओपन साइकिल में एफिशिएंसी। अब हम गैस टर्बाइन पावर प्लांट का लेआउट देखते हैं। सिंपल, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि गैस टर्बाइन जो साइकिल है वो अन्य साइकिल की अपेक्षा इस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है पावर जनरेशन में। जैसे कि हमने देखा अभी ब्रेटन साइकिल में गैस सबसे पहले उसका इक्विपमेंट होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर के लिए हमें चाहिए एयर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एयर चैम्बर बनाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट की एयर का यूज करते हैं एयर सप्लाई के लिए। एयर सप्लाई में जाते सबसे पहले फिल्टर, फिल्टर के बाद ये जाते हैं कंप्रेसर। जब भी हम गैस टरबाइन यूज करते हैं कि जो गैस टरबाइन पावर प्लांट जो हमारा पावर प्लांट है उसमें हम कंप्रेसर का यूज करते हैं तो वो हाई कंप्रेसर का यूज करते हैं। हाई कंप्रेसर का यूज करने के लिए हम ये क्यों करते हैं हाई प्रेशर कंप्रेसर, ताकि हमें प्रेशर रेशियो अधिक मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हम कंप्रेसर या तो सिंगल यूज कर सकते हैं या डबल यूज करते हैं। अगर हम डबल कंप्रेसर का यूज करते हैं तो स्टेज या थ्री स्टेज कंप्रेसर का यूज करते हैं तो हमें बल्क टन कब देना पड़ेगा और हमारी सेविंग क्या दबाव होगी बल्क टन, तो इसलिए हम जनरली टू स्टेज कंप्रेसर का यूज करते हैं। जब जब भी हम कभी भी हाई प्रेशर रेशियो के लिए जाते हैं तो हम टू स्टेज कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एयर एनवायरमेंट से लिए वो सबसे पहले जाती है कंप्रेसर नंबर सिंगल जो कि लो प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर कंप्रेसर के बाद एयर जाएगी हाई प्रेशर कंप्रेसर में, हाई प्रेशर कंप्रेसर नंबर सी। यहाँ हमारा मकसद क्या है कि जो
पिछले स्तंभ से जो दिया था कि हम वर्णन कम से कम दे और हमें मैक्सिमम वर्णन प्राप्त हो। ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्रेशन। इससे निकलने वाली जो एग्जॉस्ट एयर होगी वो हाई प्रेशर पर होगी और हमें टरबाइन को घुमाने के लिए चाहिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। अब हमें चाहिए हाई टेम्परेचर और दिया जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर। ये हमारा हीट एक्सचेंजर है। बेसिकली हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, हीट एड कर रहे हैं। जो हीट ऐड कर रहे हैं उसका मकसद क्या है हमारा, ताकि हम हाई टेम्परेचर गेन करें। इस पॉइंट पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इस पॉइंट पर हमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मिलेगा। जो ये हीट एक्सचेंजर है यहाँ पर होती है हमारी वर्किंग प्रोसेस। इसमें हम यूज करते हैं फ्यूल एंड एयर। हमारे कंप्रेसर सीपी तक हमारा इंजन था केवल एयर। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में हीट दी, हीट किसकी मदद से नहीं, हमने फ्यूल दिया। फ्यूल हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, कोई सा भी फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई जो ये टरबाइन है बेसिकली ये टरबाइन है वो हाई प्रेशर टरबाइन है। हाई प्रेशर टरबाइन से हमें क्या मिलता है, पावर प्लांट मिलता है। इस जो बर्नर मिलता है उससे जुड़ी होती है हमारी कपलिंग, कपलिंग सी, जिसकी सहायता से हम सबसे पहले तो हम कंप्रेसर नंबर सी को जो है प्रेशर कंप्रेसर उसको घुमाते हैं और यहाँ पर हमारा जुड़ा होता है जनरेटर, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। यहाँ तक बेसिकली हमें सीधी सीधी सहायता समझ में आती है। हमें कुछ नहीं यहाँ तक सिर्फ अगर हम डिवाइस की बात करें, जब तक हम इस यहाँ तक के डायग्राम की बात करेंगे तब तक हम देखते हैं इसको। तो ये सप्लाई यूनिट में सबसे पहले फिल्टर कंप्रेसर, दो कंप्रेसर इसमें सिंगल कंप्रेसर, जो लो प्रेशर कंप्रेसर है, सी टू में जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है। हाई प्रेशर कंप्रेसर से हमें यहाँ पर हाई प्रेशर वाली केवल एयर मिलती है। इस एयर को हम यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर हम क्या करेंगे, फ्यूल की बर्निंग करेंगे ताकि हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कैसे जो मिलेंगे उसकी सहायता से हम टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन जो कपल के माध्यम से जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, बीच में लगा हुआ होता है हमारा कंप्रेसर, ताकि हम कंप्रेसर को भी जो टरबाइन से प्राप्त वर्तन हो रहा है उसकी सहायता से चला सके, जिसकी सहायता से ऑपरेट कर सके। कंप्रेसर नंबर सी वन और सी टू के बीच में हमारे पास एक कूलिंग यूनिट होती है। इस कूलिंग यूनिट का सीधा सीधा फंक्शन है, जो हम कंप्रेसिंग वाले जो प्रोसेस कर रहे हैं वो आइसोथर्मल फ्लो। कंप्रेसर का सीधा सा मतलब होता है कि डायग्राम पर जब मैं कंप्रेसर वाली प्रोसेस को फ्लो करता हूं, वन से लेके टू तक प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस, जब मैं इसे टुकड़ा टुकड़ा में कंप्रेस करता हूँ तो मैं वर्क की शेयरिंग करता हूँ। जैसे मैं दो कंप्रेसर यूज करना चाहता हूँ, प्रोसेस वन से लेके टू तक, ये वाली प्रोसेस में ये वन और ये टू,
बीच में एक पूरा लगा रहा हूँ टेम्परेचर, जो क्या करता है इसकी टेम्परेचर को कम करता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इसके टेम्परेचर को कम करता है। मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ एक प्रूफ इसके अंदर, तो टेस्ट के बाद में दोबारा से कंप्रेशन में सीट में कंप्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ तीन पर। ये मेरा पॉइंट है तीन दोस्तों। तो बेसिकली मैंने इसी सहायता से किया क्या है, कुछ नहीं किया। अगर मैं एक दो कंप्रेशन तक एक कंप्रेशन यूज नहीं लेता तो यहाँ पर पहुंचता इस बड़े पर, और मैं इतना बर्तन ना दे देता। अब इसकी सहायता से मैंने क्या किया है, इतना बर्तन सेव कर लिया, दो कंप्रेसर यूज करके मैंने इतना बर्तन सेव कर लिया। ये फोल्डर पर क्लिक है जहाँ पर मेरा कंप्रेसर का एग्जॉस्ट होता है और ये हीट एक्सचेंज का एग्जॉस्ट होता है। इसके फोल्डर नंबर तीन के बाद मैं जाता हूँ फोल्डर नंबर फोर पर जहाँ पर मुझे मिलता है प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली गैसेज, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली गैसेज को मैं यूज करता हूँ टरबाइन में। मैं फोल्डर नंबर सिक्स पर पहुँच जाता हूँ। इस टरबाइन से निकलने वाले एग्जॉस्ट जो गैसें हैं उनका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा है, और उस जो प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा है उसको मैं यूज कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ उसके लिए मैं डिवाइस की यूज करता हूँ। इन दोनों का यूज यहाँ से, और वो है मेरी रिएक्टर। फिर मैं दोबारा इस कूलिंग यूनिट से निकलने वाली जो हीट है उसके उपयोग में टरबाइन से निकलने वाली जो गैसेज हैं उसको रीहीट करने का काम करता हूँ, उसको रीहीट करने का काम करता हूँ। फिर इसी चीज का उपयोग में टरबाइन से ले लेता हूँ, ये टरबाइन के उपयोग लो प्रेशर टरबाइन बेसिक है। तो टरबाइन जिसकी सहायता से मैं क्या करूँगा, बर्तन प्राप्त करो, उस बर्तन की सहायता से मैं इस कंप्रेसर को चला। बीच में यहाँ पर बटन जुड़ी होती है, इस टरबाइन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैस का मैं उन्हें यूज कर लेता हूँ। बेसिकली मेरी ये जो पूरा डायग्राम है ये बेसिकली ले आऊँ गैस टरबाइन पावर प्लांट। दोबारा से हम प्रोसेस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होती है। बेसिकली हमें जब भी गैस टरबाइन पावर प्लांट की बात करें तो चार इक्विपमेंट ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहले हमारा कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन और दोबारा हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर भी हम यूज नहीं कर रहे, बेसिकली हम दो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। कंप्रेसर की जगह कंप्रेसर नंबर सी टू, कंप्रेसर नंबर कंप्रेसर सी वन और कंप्रेसर सी टू दो कंप्रेसर हैं। कंप्रेसर सी वन है वो लो प्रेशर कंप्रेसर है, कंप्रेसर सी टू वो हाई प्रेशर कंप्रेसर है। हमारी यह सप्लाई यूनिट है, इससे एयर एनवायरनमेंट से हमें एयर भी उसको फिल्टर से गुजार और कंप्रेसर सी वन में दे दिया। उसके बाद पोर्ट नंबर एक एंट्री पॉइंट है, पोर्ट नंबर टू मेरा कंप्रेसर का एग्जस्ट पॉइंट है। लेकिन कंप्रेसर टू और टू डैश के बीच में एक कूलिंग यूनिट का यूज करता हूँ, उस कूलिंग यूनिट की सहायता से मैं क्या करता हूँ बर्तन सेव करता हूँ और हाई कंप्रेसर में भेजता हूँ। जो मेरी जिसका पॉइंट नंबर टू पर मेरे को क्या मिल रहा है, प्रेशर तो मिल रहा है, प्रेशर लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा सस्ता है। हाई प्रेशर कंप्रेसर में मैं पॉइंट नंबर थ्री पर पहुँचा हूँ जिसका प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। इस पॉइंट नंबर थ्री वाले जो एग्जॉस्ट एयर जो मेरे को मिली कंप्रेस्ड एयर जो मेरे को मिली उसका मैं यूज़ करता हूँ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में मैं फ्यूल का यूज करते हुए क्या करूँगा, इसकी बर्निंग करूँगा, फ्यूल की बर्निंग करूँगा एयर के साथ, जिससे मेरे को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली एग्जॉस्ट की मिलेगी। मैं एग्जॉस्ट प्रेशर की मदद से मैं टरबाइन को ऑपरेट करूँगा। इस टरबाइन से जुड़ा हुआ है मेरा जनरेटर, बीच में मेरी लगी हुई कंप्रेसर, ताकि मेरे को बाहर से कहीं से भी एनर्जी जरूरत नहीं पड़े, मेरी एनर्जी खुद जिसके जरिए यहाँ से टरबाइन टेबल से निकलने वाले जो गैसे थे उनको मैं रेगुलेटर की सहायता से यूज करके उसका दोबारा टेम्परेचर बढ़ाता हूँ।
टेंपरेचर इंक्रीज कर देता हूं, तो इंक्रीज टेंपरेचर वाले जो गैस है उसको दोबारा मैं कन्वर्ट करके तो यूज करता हूं, इसकी सहायता से मैं कंप्रेसर नंबर 6 को चलाता हूं और उससे स्टार वेंटिलेशन करने वाले इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा 8x यूज करता हूं। ये बेसिक मेरा गैस टरबाइन पावर प्लांट है। गैस टरबाइन पावर प्लांट के कुछ फायदे हैं। इन फायदों में सबसे पहले हम देखा जाए तो कहीं भी पावर की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होती है। जब हम इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखते हुए एडवांटेज की बात करता हूँ, इसके एडवांटेज क्या है। लेस मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट। दूसरी बात इजी हैंडलिंग है, तीसरा इसकी एफिशिएंसी हाई है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि मैं इसे ज्यादा लोड के लिए यूज नहीं कर सकता। डिसएडवांटेज की बात ही करता हूँ, ये तो मेरे इसके एडवांटेज होते हैं, तो मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। कंप्रेसर की प्रेशर रेशो के हिसाब से इसका भी प्रेशर रेशो फिक्स होता है। फिक्स प्रेशर रेशो के लिए यूज हो गई है, जो भी पावर प्लांट है फिक्स प्रेशर रेशो के लिए यूज होगा। फिक्स प्रेशर रेशो हाई लोड के लिए ऑपरेट नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ आपको ये